करीमनगर राजमार्ग से मुकुर्क चेरू का घर हजारों प्रवासी पक्षियों का घर है, लेकिन पिछले दो दिनों में स्थानीय व्यापारियों ने सैकड़ों वृक्ष काट दिया। झील से घिरे सबाबुल पेड़ के सैकड़ों हजारों प्रवासी पक्षियों को आश्रय प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि सबुल पेड़ों को लकड़ी के लिए काटा गया, जो गरीबों द्वारा दरवाजे और खिड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिद्धिपेट और आसपास के इलाकों में लकड़ी की मांग काफी है। एक स्थानीय लक्ष्मण ने कहा है कि पिछले तीन दिनों में 100 से अधिक पेड़ काट दिए गए। बैनियाज मार्ग पर एक नियमित यात्री ने कहा कि हम इतने सारे पेड़ों को नीचे देखकर डर गए थे। सबुल के वृक्षों की तरह बढ़ते हैं और मजबूत होते हैं और मिट्टी के क्षरण में मदद करते हैं। अडवेटर सोसाइटी के एक सदस्य मोहन ने कहा कि ये पेड़ पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वे हजारों पक्षियों के लिए घोंसले बनाने की जगह थी। सबाबुल पेड़ काफी मजबूत है। ये 2004 के सुनामी के दौरान साबित हो गए थे, क्योंकि कई पेड़ उखड़ गए थे, लेकिन सबाबुल के पेड़ बाढ़ से भी जूझ रहे थे। मोहन ने कहा कि पेंटिंग वाले शेरों, लाल पुंछी आईबीस और इंजेट सहित कई प्रवासी पक्षी झील को अपना रास्ता बनाते हैं। झील स्थानीय लोगों के साथ साथ हैदराबाद में रहने वाले लोगों के लिए एक पिकनिक का स्थान भी है, क्योंकि ये जुबली बस स्टैंड से लगभग 40 किलोमीटर की दूर पर है। संध्या एक टीचर ने कहा कि झील एक सुखद दृश्य है। जब सैकड़ों पक्षियों को शाखाओं में घोंसले में देखा जाता है तो ये आनंददायक होता है।